पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 मैचेस, फुल स्क्वाड और कुछ नई तब्दीलियां की जाने पर गौर किया जा रहा है। नंबर वन बाबर आजम, पहले सोचा जा रहा था बाबर आजम शायद रिकवर ना कर सके इंजरी से, मगर अब न्यूज़ है कि बाबर आजम रिकवर कर चुके हैं और T20 सीरीज और टेस्ट मैचेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर टू शर्जील खान नेशनल कप जो ODIs हो रहा है उसके अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन्होंने पहले भी अच्छा परफॉर्म किया नेशनल T20 कप के अंदर, कदी आजम ट्रॉफी के अंदर, PSL के अंदर, सो ये भी कम बैक करेंगे। नंबर थ्री लेफ्ट हैंडेड फखर जमान, ये भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है और ये भी कम बैक करेंगे। नंबर फोर हैदर अली यंगस्टर। नंबर फाइव मोहम्मद हफीज, प्रोफेसर ऑलराउंडर, ये भी पाकिस्तानी टीम का मेन हिस्सा है। नंबर सिक्स आसिफ अली। फ्रेंड्स बेसिकली खुद मैं इनको पाकिस्तानी टीम के अंदर देखना चाहता हूँ इफ्तिखार अहमद की जगह। आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा आप आसिफ अली को देखना चाहते हैं या इफ्तिखार अहमद। नंबर सेवन शुएब मलिक ऑलराउंडर। नंबर एट ऑलराउंडर इमाद वसीम। नंबर नाइन ऑलराउंडर फहीम अशरफ। नंबर टेन विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। नंबर इलेवन लेग स्पिनर उस्मान कादिर। नंबर ट्वेल्व फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी। नंबर थर्टीन फास्ट बॉलर T20 स्पेशलिस्ट आरिस रऊफ। नंबर फोर्टीन फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन। नंबर फिफ्टीन फास्ट बॉलर वहाब रियाज। नंबर सिक्सटीन यंग विकेट कीपर बैट्समैन हार्ड हिटर आजम खान। जी हाँ दोस्तों, ये भी T20 टीम के अंदर नज़र आएंगे, क्या परफॉर्म करें नेशनल कप के अंदर और पहले भी PSL के अंदर परफॉर्म किया, नेशनल T20 कप के अंदर परफॉर्म किया, क्वेटा ग्लेडिएटर्स की तरफ और गाले ग्लेडिएटर दोनों टीमों की तरफ परफॉर्म करते रहे, अब ये पाकिस्तानी टीम के अंदर आपको नज़र आएंगे। और बैड न्यूज़ ये है कि शदाब खान अभी तक जो न्यूज़ हैं वो रिकवर नहीं कर सके और सोर्सेज का कहना है कि शदाब खान टेस्ट सीरीज़ के अंदर तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे और शायद 30% चांसेस हैं कि वो T20s खेल सकें। मुझे नहीं लगता वो खेल सकेंगे, वो PSL के अंदर ही आगे खेल सकेंगे। सो शदाब खान पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि ना सिर्फ वो बॉलिंग बैटिंग बल्कि पाकिस्तान के नंबर वन फील्डर भी हैं। तो फ्रेंड्स आप किस खिलाड़ी को पाकिस्तानी टीम के अंदर देखना चाहते हैं कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।